हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन EL 307 के टॉपिक इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कब कहते हैं और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कब कहते हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर में ऐसा क्या लगाते हैं कि उसे नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं और इन्वर्टिंग कहते हैं, और एक की ऑपरेशन एम्पलीफायर पर फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है वह एक्टिव रीजन व सैचुरेशन रीजन दोनों में काम कर सकता है, और ऑपरेशन एम्पलीफायर एक्टिव रीजन व सैचुरेशन रीजन में काम उसके इनपुट पर किस तरीके का हम वोल्टेज मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं उस पर निर्भर करता है, और एक किस तरीके का फीडबैक इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करता है। क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो गेन है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर हम थोड़ा सा भी अगर इनपुट दें तो उसको सैचुरेशन लेवल पर ला सकता है। सैचुरेशन लेवल पे लाने पर या जब ऑपरेशन एम्पलीफायर सैचुरेशन रीजन में काम करता है तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का हम यूज लीनियर एप्लीकेशनों के लिए नहीं कर सकते हैं। सैचुरेशन लेवल में आने पर ऑपरेशन एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर काम करता है, लीनियर एप्लीकेशन में उस यूज उसका नहीं किया जाता, जैसे कि समिंग या सबट्रैक्टर वगैरह में उसका यूज नहीं किया जा सकता। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर को एक्टिव रीजन में काम कराने के लिए हमें नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करना पड़ता है। नेगेटिव फीडबैक के कारण वह एक्टिव रीजन में रहता है और एज ए लीनियर एप्लीकेशन में उसका हम यूज कर सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक लगाने के कारण ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है, क्लोज लूप वोल्टेज जो गेन है ACL, वह रिड्यूस हो जाता है और वह लीनियर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इसके अतिरिक्त नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उसका वोल्टेज गेन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस पर कंट्रोल और एम्पलीफायर बैंडविड्थ पर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक लगता है कि सब चीज़ें कम कर रहा है और पॉजिटिव फीडबैक किसी चीज़ को बढ़ाता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो जो पॉजिटिव फीडबैक है वह ऑसिलेशन कंडीशन को, किसी भी चीज को ऑसिलेशन के रूप में लाता है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक जो है वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर को लीनियर एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक देंगे। नाउ एक कंसेप्ट आता है, अगर हम ऑपरेशन एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कैसे काम करेगा, तो उससे पहले एक ऑपरेशन एम्पलीफायर का कंसेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड, उसको हम समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इसका ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव वाला वह नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और जो ये माइनस वाला टर्मिनल है वह है इन्वर्टिंग टर्मिनल। पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वह है V+ और नेगेटिव पे V-। जब मैं इसके आउटपुट वोल्टेज की बात करता हूँ तो आउटपुट जो वोल्टेज है इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का वो इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जा सकता है, Vout बराबर AV, V+ माइनस V-, यानी V0 बराबर वोल्टेज गेन ब्रैकेट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्ट इनपुट है उस पर जो वोल्टेज है। क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए जो इस AV जो है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो AV की वैल्यू V0 अपॉन V+, अगर मैं इस V+ माइनस V- को इधर लेके जाऊं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा AV बराबर V0 अपॉन V+ माइनस V-। क्योंकि ये वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू दो केसों में इन्फिनिटी हो सकती है, या तो ये V0 इन्फिनिटी हो या V+ माइनस V- की वैल्यू जीरो हो।
तो ये AV की वैल्यू इन्फिनेटिव आएगी। चूंकि V0 की वैल्यू इन्फिनेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि V0 जो आउटपुट है उसकी हमेशा जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू वो V सैचुरेशन और V माइनस सैचुरेशन के द्वारा होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और V सैचुरेशन की मैक्सिमम वैल्यू VDD या VSS के बराबर ही हो सकती है। तो V0 की जो वैल्यू है वो इन्फिनेटिव मेरे लिए नहीं हो सकती। तो AV की वैल्यू इन्फिनेटिव बनाने के लिए दूसरी चीज पड़ती है कि V माइनस की वैल्यू जीरो हो। और जब इसकी वैल्यू अगर मेरे को जीरो करनी है V प्लस माइनस V माइनस इक्वल टू जीरो, तो V प्लस इक्वल टू V माइनस, यानी ये जो दो टर्मिनल हैं इन पे इक्वलेंट जो V माइनस है उसकी वैल्यू V प्लस के बराबर होगी, या V प्लस माइनस V माइनस जो कहते हैं हम, इसका जो डिफरेंस आएगा वो जीरो के बराबर आएगा या ग्राउंड के बराबर आएगा। क्योंकि ये दोनों जुड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए इसको हम वर्चुअली मानते हैं कि ये बराबर है, इसलिए इसको कहते हैं वर्चुअली ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। दूसरा है कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, तो ये जो आई प्लस व आई माइनस है उसकी वैल्यू यहाँ जीरो आएगी, इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी। ये करंट अगर मैं कोई फीडबैक अप्लाई करता हूँ तो वो उसके थ्रू जाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई। तो इन सब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के आधार पर हम अब अपनी एम्पलीफायर जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर उसको आगे बढ़ेंगे। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सबसे पहले तो किसे कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो ये डायग्राम में एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दर्शाया गया है। इसमें क्या हुआ, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है और ये एक फीडबैक दिया हुआ है, ये फीडबैक यहां नेगेटिव फीडबैक मेरे को दिया हुआ है। फीडबैक किसे कहते हैं कि जब आउटपुट जो है वो इनपुट को प्रभावित करता है फीडबैक के थ्रू, तो वो नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। यहां आउटपुट का कुछ भाग हमारा आरएफ के थ्रू होते हुए इनपुट पे दिया जा रहा है, तो जो इनपुट है मेरा वो आउटपुट पे डिपेंडेंट है, तो ये जो है ये फीडबैक है इस एम्पलीफायर में। और इसके जो पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर मैंने एक इनपुट दिया हुआ है वी आई एन, और ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है वो आर वन के थ्रू होते हुए यहाँ ग्राउंड हो रहा है, यानी इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर मैंने कोई इनपुट नहीं दिया हुआ है। तो इस एम्पलीफायर को नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसको मैंने ग्राउंड करा हुआ है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर मैंने इनपुट सिग्नल अप्लाई करा हुआ है, इसलिए इसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। तो इस जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसके लिए V आउट बराबर 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन या आर इन इंटू वी आई एन, ये इसका फॉर्मूला आता है आउटपुट वोल्टेज का। और वी आउट अपॉन वी इन क्या होता है, वोल्टेज गेन, जो कि 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इन या आर वन, ये इसका वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को लगाएंगे और KCL और KVL इसकी मदद से ये दो फॉर्मूले को हम डेराइव करेंगे। तो क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहता है कि यहां जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मेरा यहां होता है, यानी अगर ये V माइनस में इस जगह के पोटेंशियल को V माइनस मानूं तो V माइनस की वैल्यू V इन के बराबर होगी, फर्स्ट इक्वेशन। V माइनस इक्वल टू V प्लस और V प्लस की वैल्यू V इन, तो V माइनस बराबर V इन, जो हमारा पहला हमने कहा कि ये V माइनस है ये V इन है, तो V माइनस की वैल्यू V इन के बराबर, ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से हमने निकाल लिया। दूसरा कंसेप्ट है, हमें यहाँ या तो हम KCL निकाल लगा सकते हैं इधर, या मैं KVL लगा सकता हूँ।
दोनों चीज लगा सकता हूं। तो यहां मैं पहले केवीएल लगाऊंगा इधर, तो केवीएल लगाता हूं तो आता है 0 - I1 R1 या I in भी कह सकता हूं इस करंट को, ठीक है, 0 - I in या I1 R1 - V - equal to 0। तो यहां लेंगे तो 0 - I1 R1 - V - 0, तो जो माइनस है वो 0 - I1 R1 इधर चला गया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी -V = I1 R1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब चूंकि V माइनस जो है वो V plus के बराबर है, V plus V in के बराबर है, तो इस V माइनस की जगह मैंने V in रख लिया, तो -V in = I R1 या I1 R1, ये इक्वेशन बन गई। एक कंडीशन ये है कि यहां जो I1 फ्लो हो रही है वो यहां नहीं जाएगी इसके इनफाइनाइट इंपोर्टेंस के कारण, तो ये करंट जो होगी वो पूरी की पूरी यहां से जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि I1 जो है वो IF के बराबर है, I1 IF के बराबर है, और ये इक्वल टू मैंने I कर दिया, ठीक है। अब I बराबर यहां से क्या आया, V in upon R1 - V in upon R1, ये कंडीशन बन गई। ये है मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, कि I बराबर -V in upon R1। नाउ अब मैं दूसरे पार्ट में इसके केवीएल लगाऊंगा यहां से यहां, तो क्या आएगा, यहां V माइनस वोल्टेज था, तो V - IFRF - V0 = 0। IF I1 के बराबर है और ये दोनों I के बराबर है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कह सकता हूं V - IRF - V0 = 0, और V माइनस जो है मेरा वो V in के बराबर है, तो V in - IF या IRF - V0, इक्वेशन को यहां समझिए, V - IRF - V out = 0, तो उसमें से माइनस आई आर एफ इधर लेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी V - V out = IFRF। V माइनस की वैल्यू मैंने V in के बराबर बता रखी है, तो यहां V in कर दूंगा मैं V माइनस की जगह, तो V in - V out = IRF, क्योंकि IF = I1 = I है, तो ये I V out को मैं इधर लेके जाऊंगा और IRF को इधर लूंगा, तो V out बराबर हो जाएगा V in - IRF। अब इस में से जब मैं वोल्टेज गेन निकालता हूं उसमें सिर्फ मेरे पास V out और V in होता है, I नहीं देता, तो I की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, V out - V in - I - V in / R1 जो कि मैंने यहां रख दी (RF), तो ये पूरी इक्वेशन बन गई (V in - RF / R in), तो V out / V in जो होता है वो होता है वोल्टेज गेन, तो ये हो गया AV (V out / V in) = 1 + RF / R in, तो ये मेरा फॉर्मूला इधर आ गया V out का, और ये 1 + RF / R in वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आ गया। ये नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। एक कंडीशन ये भी बनती है कि इसको दूसरे तरीके से भी V out और V in इसके लिए निकाला जा सकता है, वोल्टेज गेन निकाला जा सकता है, और वह करते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर टूल की मदद से। अब इस एम्पलीफायर को मैं जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जो दूसरी में अप्रोच लगाऊंगा वोल्टेज डिवाइडर रूल से कि वोल्टेज गेन कैसे निकालू नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, तो उसके लिए मैं इस जो टर्मिनल है उसको समझने के लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए इसको इस तरीके से मैंने मॉडिफाई कर लिया, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ सिंपल इस तार को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करके यहाँ लिया है, तो ये इस तरीके का डायग्राम हो गया। डायग्राम वही जो मैंने पहले यहाँ देखा था, ये डायग्राम और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये समझाने के लिए है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगता है। अब
ये डायग्राम को अगर मैं देखता हूँ तो इसके अक्रॉस जब V माइनस निकालना है मेरे को, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो इस भाग पे जब मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा तो वो क्या होगा, तो इसके अक्रॉस ये टोटल वोल्टेज, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जो इनपुट वोल्टेज है, तो ये कितना आएगा, V माइनस बराबर आएगा R1, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस RF इनटू V आउट। क्योंकि V इन की वैल्यू, V माइनस की वैल्यू V इन के बराबर है, तो V माइनस को मैंने V इन के इक्वल रख दिया, तो V आउट बर इनटू R1 अपॉन R1 प्लस RF बराबर V IN हो गया। अब या तो मैं R1 प्लस RF अपॉन R1 टर्म से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि मैंने यहां कर दिया, या मैं इधर लेके भी इसको, इस टर्म को इधर लेके चल जाऊं और इसको इधर लेके जाऊं, तो भी ये किया जा सकता है। तो मैंने यहां क्या करा कि दोनों टर्म को R1 प्लस RF अपॉन R1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस वाले टर्म को मैंने RF प्लस R1 अपॉन R1 और इधर भी RF प्लस R1 अपॉन R1 से मल्टीप्लाई करा। ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो V out बराबर हो गया V in और ये 1 plus RF upon R1, तो V out बराबर V in 1 plus RF upon R1, और जब voltage gain लूँगा तो मैं V in को इधर ले जाऊँगा, क्योंकि voltage gain होता है V out upon V in बराबर 1 plus RF upon R1, तो ये मेरा voltage gain निकल गया। या मैं simple इसको इधर लेके जाऊँ, इसको इधर लेके जाऊँ, तो ये term directly V out upon V in बराबर 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन बन जाएगी, जो कि वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन कैसे भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन। नेक्स्ट है मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, इधर हमने देखा कि जो मेरा वोल्टेज है वी आउट, वो वी इन वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, यानी जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक अमाउंट से वी इन को इंक्रीज कर रहा है, और वो अमाउंट क्या है, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन, उससे वो उसको इंक्रीज कर रहा है जो मेरा एम्पलीफायर है। लेकिन जो आउटपुट की वेव फॉर्म है वो वी इनपुट जो है उसकी वेव फॉर्म के फेज में ही है, इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। यानी जो मेरा आउटपुट आ रहा है, जो एम्पलीफायर है, वो आउटपुट को जो आ रहा है वो इनपुट के वेवफॉर्म के फेज में, इनपुट को वो इन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है ये है मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अब इसे क्यों कहते हैं, पहली बात तो इसमें जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है या नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उसको मैं ग्राउंड करता हूँ, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर मैं इनपुट अप्लाई करता हूँ, राइट, तो इसलिए इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। और दूसरा, इसका जो आउटपुट आता है मेरा, यहाँ देखूंगा मैं वी आउट, वो माइनस आर एफ अपॉन आर इन वी इन आता है, यानी जो मेरा आउटपुट की वेव फॉर्म है वो इनपुट की वेव फॉर्म के 180 डिग्री में आ रही है। यानी ये जो एम्पलीफायर है मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वह एम्पलीफायर इनपुट को 180 डिग्री फेज शिफ्ट से इन्वर्ट कर देता है, इसलिए भी इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम हो गया। अब इसके लिए V out बराबर माइनस आर एफ अपॉन आर इन वी इन, या जो इसका वोल्टेज गेन है वो माइनस आर एफ अपॉन आर इन के साथ है, इसको हम देखिए कंसेप्ट वही दो लगाने हैं, वर्चुअल ग्राउंड लगाना और केवीएल केसीएल लगाना है। केसीएल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, केवीएल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, तो हमें वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो जो यहाँ वोल्टेज है V माइनस, वो V प्लस के बराबर होगा, और V प्लस जो है वो मेरा ग्राउंड है, तो यहाँ जो वोल्टेज आएगा V माइनस वो जीरो होगा। V माइनस V प्लस के बराबर, V प्लस जीरो है, तो V माइनस की वैल्यू भी जीरो आएगी।
दूसरा जो आई इन करंट है वो आई एफ करंट है, क्योंकि यहां करंट नहीं जाएगी तो ये करंट यहां जाके सीधी यहीं जाएगी, तो आई इन बराबर आई एफ है, आई इन बराबर आई एफ है और उसको मैंने आई से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब यहां मैं केवीएल लगाऊंगा, केवीएल लगाई तो वी इन माइनस आर आई इन माइनस वी जीरो माइनस वी माइनस इक्वल टू जीरो, वी माइनस की वैल्यू जीरो है, या वी इन माइनस वी माइनस बराबर आई इन आर आई इन, वी माइनस की वैल्यू यहां मैं जीरो रख दूंगा तो वी इन माइनस जीरो बराबर आई आर इन, आई इन को मैंने आई से यहां डिनोट कर दिया था तो आई इन की वैल्यू आई रख दी, तो ये इक्वेशन ये बन गई। तो वी इन बराबर क्या हो गया आई आर और आई बराबर वी इन अपॉन आर आई, ये मेरी एक इक्वेशन होगी पहली इक्वेशन। दूसरा मैं इक्वेशन लगाऊंगा यहां से इसमें केवीएल लगाऊंगा तो ये क्या आएगी वी माइनस माइनस आर एफ आई एफ माइनस वी आउट इक्वल टू जीरो, या वी माइनस माइनस वी आउट इक्वल टू आर एफ आई एफ, दोनों तरीके से कह सकता हूं मैं, वही v माइनस माइनस वी आउट बराबर आई एफ आर एफ, वी माइनस की वैल्यू जीरो है माइनस वी आउट बराबर आई आर एफ, तो वी आउट बराबर माइनस आई आर एफ। अब आई की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से रख सकता हूँ v इन अपॉन आर इन, तो वी आउट बराबर माइनस आर एफ आर इन v। अब वोल्टेज गेन जो होता है मेरा वो वी आउट अपॉन वी इन होता है, तो वी आउट वी इन को कर लूंगा तो मेरा जो वोल्टेज गेन आएगा वो आएगा वी आउट अपॉन वी इन इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन इन, नेक्स्ट प्रोसेस मैं इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लगा सकता हूं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से मैं इसको कैसे निकालूंगा, तो इसको मैं इस तरीके से जो मेरा ये वाला सर्किट था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज डिवाइडर रूल से समझने के लिए मैं इसको थोड़ा इधर ले लूंगा, तो ये सर्किट इस तरीके से हो गया मेरा, ये ग्राउंड है और ये वी इन आर इन वी माइनस से होते हुए आर एफ वी आउट। ठीक है, ये मेरा सर्किट इस तरीके से मैंने मॉडिफाई कर लिया वोल्टेज डिवाइडर रूल से समझने के लिए। तो यहां मैं जब वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा तो क्या होगा, वी माइनस क्या होगा वी आउट माइनस वी इन इंटू आर इन अपॉन आर इन प्लस आर एफ प्लस बी इन इक्वल टू जीरो, ये मेरा वोल्टेज डिवाइडर रूल से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब वी इन वी माइनस की वैल्यू तो मेरी मैंने जीरो करी दी है, ठीक है, तो वी आउट को इससे मल्टीप्लाई करा तो आर इन अपॉन आर इन प्लस आर एफ माइनस बी इन आर इन प्लस आर एफ प्लस वी इन इक्वल टू जीरो। तो सारी टर्म को मैंने वी आउट वाली टर्म को इधर ले लिया, वी इन वाली सारी टर्म को इधर ले गया, तो वी इन वाली सारी टर्म को इधर ले गया तो वी इन आर इन आर इन प्लस आर एफ ये तो पॉजिटिव हो गया और ये जो वी इन है ये माइनस में आ गया। अब सेम चीज या तो मैं आर इन प्लस आर एफ अपॉन आर एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ू, या इस पूरे इक्वेशन से वी आउट अपॉन वी इन की इक्वेशन निकाल लू, तो मैं ऐसा करता हूं कि मल्टीप्लाई करके ही निकलता हूं। तो आर इन प्लस आर एफ अपॉन आर इन से वी आउट को भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरी टर्म को भी आर इन प्लस आर एफ अपॉन आर इन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ इस टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस वी इन को भी आर इन प्लस आर एफ अपॉन आर इन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी आउट बराबर क्या हो गया ये पूरा कट गया, तो वी आउट बराबर ये भी पूरी कट गई वी इन माइनस वी इन आर इन प्लस आर एफ अपॉन। अब वी इन वाली टर्म को मैं इधर ले लूंगा या इसमें से पूरी टर्म में से वी इन कॉमन ले लूंगा तो वी इन वन माइनस आर इन प्लस आर एफ अपॉन आर इन, जो बचता है फिर लास्ट में माइनस आर एफ अपॉन आर इन वी इन, और इस वी इन को फिर मैं इधर लेके जाऊंगा तो वी आउट बराबर माइनस आर एफ अपॉन आर इन वी इन, तो जो मेरा वोल्टेज गेन है वी आउट अपॉन वी इन कितना हो गया माइनस आर एफ अपॉन आर इन, तो ये मेरा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला गया। तो अब मैं पूरे उसको
समराइज करूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्टिव रीजन और सेचुरेशन रीजन में काम कर सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लेकिन लीनियर जो एप्लीकेशन है उनमें मेरे को ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिव रीजन में ही काम करवाना है, सेचुरेशन रीजन में काम नहीं करवाना है। एक्टिव रीजन में काम करवाने के लिए मेरे को ऑपरेशन एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक देना पड़ता है। पॉजिटिव जब एम्पलीफायर जब सेचुरेशन रीजन में काम करता है तो वह एज ए कंपैरेटर की तरह काम करता है, तो नेगेटिव फीडबैक देने से ऑपरेशन एम्पलीफायर का एक तो वोल्टेज गेन कंट्रोल होता है, इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी एम्पलीफायर बैंडविड्थ कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट है वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड में क्या होता है कि जो V प्लस है वो V माइनस है, वो वोल्टेज बराबर होता है। बेस्ड ऑन एम्पलीफायर कि किस टर्मिनल पर हम इनपुट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहता हूँ। अब ये नेगेटिव फीडबैक इसलिए कहा गया है या मैंने नेगेटिव फीडबैक लगाया है क्योंकि ये जो फीडबैक है वो माइनस टर्मिनल पे लगा हुआ है, इसलिए इसे नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। अगर ये टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव उस पर होता फीडबैक या आरएफ तो इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते, तो इसलिए इसे नेगेटिव फीडबैक कहा गया है। तो नेगेटिव फीडबैक यहाँ लगाया गया है और नेगेटिव पार्ट पे है इस, और जो पॉजिटिव पार्ट है सॉरी उस पर मेरा इनपुट है, इसलिए इसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। और इसकी जो आउटपुट की वेव फॉर्म है वो 1 प्लस आरएफ अपॉन आर इन वी इन आता है, तो जो आउटपुट की वेव फॉर्म है वो वी इन को एक अमाउंट से एम्पलीफायर बढ़ा देता है 1 प्लस आरएफ अपॉन आर इन से, और जो आउटपुट की जो वेव फॉर्म है वो इनपुट की वेव फॉर्म के फेज में है, उसको जो एम्पलीफायर है वो इन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए भी इसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात आती है तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है कि आउटपुट जो है उस का जो आउटपुट आता है वो इनपुट के वेवफॉर्म को 180 डिग्री से माइनस कर रहा है, यानी इन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी कहा जाता है। और या ये भी कह सकते हैं कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर हमें इनपुट लगा रहे हैं और जो पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर मैं इनपुट ग्राउंड कर रहा हूँ, इसलिए भी इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। ये इसकी संरचना है और इसका जब एक्सप्रेशन है वो माइनस आर एफ अपॉन आर इन वी इन आता है और जो वोल्टेज गेन है वो वी आउट अपॉन वी इन आता है। तो ये सब कुछ था ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग वे में कैसे काम करेगा और नॉन इन्वर्टिंग वे में कैसे काम करेगा। थैंक यू।